वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। मैं आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से स्मार्ट वेल्थ बिल्डर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दूंगा। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आप सभी के सामने मैंने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से स्मार्ट वेल्थ बिल्डर प्रोडक्ट का पीडीएफ गाइड डाउनलोड कर रखा है। इस गाइड के माध्यम से हमें बताया गया है कि SBI Life Smart Wealth Builder प्रोडक्ट एक इंडिविजुअल यूनिट लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के तहत यदि आपका पॉलिसी टर्म ज्यादा समय तक का होता है तो एक निश्चित समय अंतराल पर आपके एनुअल प्रीमियम का 125% आपके फंड में गारंटीड ऐड किया जाता है। पॉलिसी के 11वें साल के बाद से आपके ऊपर किसी भी तरीके का प्रीमियम एलोकेशन चार्ज नहीं लगाया जाता। प्रीमियम का भुगतान रेगुलरली लिमिटेड समय के लिए या फिर वन टाइम में कर सकते हैं कि यदि पॉलिसी टर्म के बीच में पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में नॉमिनी जिसे डेथ बेनिफिट का अमाउंट दिया जाएगा वह सेटलमेंट ऑप्शन के तहत डेथ बेनिफिट के रूप में मिलने वाले फंड को मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली या फिर एक बार में ले सकता है। यदि आप पॉलिसी लेने के बाद आपको कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है और आप इस पॉलिसी में से अपने पैसों के कुछ भाग का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप पॉलिसी टर्म के 5 साल पूरा होने के बाद पॉलिसी टर्म के 6वें साल से अपने फंड का कुछ हिस्सा या फिर पूर्ण रूप से अपने फंड को ले सकते हैं। SBI Life Smart Wealth Builder में आपका पैसा 5 साल के लॉकिंग पीरियड में चला जाता है। 5 साल तक आप अपने पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर सकते हैं। आपको टैक्स सेविंग का भी बेनिफिट दिया जाता है। यहां हमें एक एग्जांपल के माध्यम से बताया गया है कि SBI Life Smart Wealth Builder प्रोडक्ट काम कैसे करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमें इल्लुस्ट्रेशन के माध्यम से बताया गया है कि मिस्टर संजय जिनकी उम्र 35 साल है वे 30 साल के लिए स्मार्ट वेल्थ बिल्डर पॉलिसी को परचेज करते हैं। प्रीमियम का भुगतान उन्हें रेगुलर करना है, यानी कि पूरे 30 साल तक मिस्टर संजय द्वारा प्रति वर्ष ₹50,000 का प्रीमियम के रूप में भुगतान किया जाएगा। उनका बेसिक सम असुर 5 लाख रुपए का है और फंड 100% इक्विटी फंड है। प्रीमियम पेइंग टर्म 30 सालों का है, यानी कि प्रीमियम का भुगतान 30 साल तक करना है। अब यदि मिस्टर संजय 30 वर्ष की उम्र तक सरवाइव कर जाते हैं और वे 30 वर्षों तक अपने प्रीमियम को नियमित रूप से भरते चले जाते हैं तो उस केस में मैच्योरिटी के समय यदि मिस्टर संजय को मिलने वाला बोनस 4% के हिसाब से मिलता है तो टोटल 21,74,877 रुपए का भुगतान किया जाता है। और यदि उन्हें मिलने वाला बोनस 8% के हिसाब से मिलता है तो मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में उन्हें 42,95,463 रुपए का भुगतान किया जाएगा। अब यदि मिस्टर संजय की पॉलिसी टर्म के बीच 20वें साल मृत्यु हो जाती है तो उस केस में उनके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में यदि बोनस 4% के हिसाब से दिया जाता है तो 12,46,085 रुपए का भुगतान किया जाएगा। और यदि बोनस 8% के हिसाब से दिया जाता है तो नॉमिनी को 19,28,918 रुपए का भुगतान किया जाएगा। यहाँ पर आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने ऊपर बताया था कि मिस्टर संजय का जो बेसिक सम असुर है ₹5 लाख का है। अब पॉलिसी टर्म के बीच में यदि उनकी मृत्यु पॉलिसी टर्म के 2रे या 3रे साल हो जाती है तो उस कंडीशन में मिस्टर संजय को 5 लाख रुपए प्लस में जितना अमाउंट का उन्होंने भुगतान किया उस पर मिलने वाला बोनस का भुगतान उनके नॉमिनी को कर दिया जाएगा। हमारे केस में मिस्टर संजय की मृत्यु 20वें साल होती है, यानी कि मिस्टर संजय ने 20 साल के प्रीमियम का भुगतान कर दिया है। इस तरीके से मिस्टर संजय ने अभी तक टोटल 10 लाख रुपए का भुगतान किया और 10 लाख रुपए पर उनको मिलने वाला 4% के हिसाब से जो भी बोनस होता है उसे जोड़ दिया जाए तो नॉमिनी को 12,46,085 रुपए का भुगतान किया जाता है।
और यदि मिस्टर संजय के नॉमिनी को दिया जाने वाला बोनस 8% के हिसाब से दिया जाएगा तो उस कंडीशन में नॉमिनी को 19,28,918 रुपए का भुगतान किया जाता है। यानी कि यदि पॉलिसी टर्म के बीच में पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है और उसका बेसिक सम अस्योर्ड अधिक है तो उसे बेसिक सम अस्योर्ड प्लस में जितने प्रीमियम का भुगतान पॉलिसी होल्डर ने किया उस पर मिलने वाला बोनस डेथ बेनिफिट के रूप में नॉमिनी को दिया जाता है। और यदि सम अस्योर्ड दिए हुए प्रीमियम की तुलना में कम है तो नॉमिनी को उन प्रीमियम का जितने का भुगतान पॉलिसी होल्डर ने कर दिया है वह राशि प्लस में उस राशि पर मिलने वाले बोनस का भुगतान किया जाता है। यदि आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम उम्र 7 साल और मैक्सिमम 55 साल की होनी चाहिए। मैच्योरिटी के समय मिनिमम उम्र 18 साल और मैक्सिमम उम्र 70 साल की होनी चाहिए। प्रीमियम का भुगतान आप रेगुलर लिमिटेड समय के लिए या फिर सिंगल प्रीमियम के रूप में कर सकते हैं। एसबीआई लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर प्लान 3 ऑप्शन में आता है। यदि आप रेगुलर प्रीमियम का भुगतान करते हैं और आपका पॉलिसी टर्म 12 से 30 साल का है तो आपको पॉलिसी टर्म के समय तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। और यदि आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म के तहत प्रीमियम का भुगतान करते हैं, आपका पॉलिसी टर्म 12 से 14 साल है तो आपको 7 साल तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। और यदि आपका पॉलिसी टर्म 15 से 19 साल है तो आप 7 साल, 10 साल या फिर 12 साल तक प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। और यदि आप पॉलिसी टर्म 20 से 30 साल का लेते हैं तो आप 7, 10, 12 या 15 साल तक प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। सिंगल प्रीमियम के तहत आपका पॉलिसी टर्म 5 से 30 साल का होता है और आपको प्रीमियम का भुगतान एक बार में ही करना होता है। यदि आप रेगुलर प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो आपको मिनिमम 30,000 रुपये और मैक्सिमम 3 लाख रुपये प्रीमियम का भुगतान करना होता है। और यदि आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो आपको मिनिमम 40,000 रुपये और मैक्सिमम 3 लाख रुपये प्रीमियम का भुगतान करना होता है। और यदि आप सिंगल प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं तो आपको एक बार में ही मिनिमम 65,000 रुपये का भुगतान करना होता है। यदि आप रेगुलर प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो आपका बेसिक सम अस्योर्ड आपके एनुअलाइज्ड प्रीमियम का 10 टाइम्स होता है। और यदि आप सिंगल प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो आपका बेसिक सम अस्योर्ड 1.25 x में सिंगल प्रीमियम होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको आसानी से मिल सके। आज्ञा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।